हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद में या तो आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है या फिर आपकी सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है। जनरली पेशेंट के ये सवाल देते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद या हड्डी टूटने के बाद में हड्डी कितने दिन में जुड़ जाती है। हड्डी का जुड़ना एक तो स्वतः प्रोसेस होता है, पर हम यहाँ पर वो रिस्क फैक्टर देखेंगे जो कि हड्डी जुड़ने में एक तो अर्ली रिकवरी देते हैं, एक लेट रिकवरी देते हैं। अगर फ्रेंड आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है। सो फ्रेंड, बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर के बारे में जो कि फ्रैक्चर होने के बाद में अर्ली रिकवरी और लेट रिकवरी देते हैं। फ्रैक्चर यहाँ पर मुख्यतः दो तरह से होता है, एक तो होता है ट्रॉमेटिक और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। ट्रॉमेटिक यानी आपका एक्सीडेंट हो जाना या फिर एक ऊंचाई से गिर जाना या फिर बाथरूम में स्लिप खा जाना, उसे हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। उसके अलावा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी आपसे बोन रिलेटेड डिजीज या आपके शरीर में कोई डिजीज होती है जिसकी वजह से आपकी बोन कमज़ोर हो जाती है और आप जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जगह पर चल रहे हो, आपने जंप किया, आपने रनिंग किया और आपका फ्रैक्चर आपको हो गया, तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जॉइंट का हो जाता है बहुत सी बार में, हिप जॉइंट का हो जाता है और उसके अलावा पायजेनिक ऑस्टोमाइलाइटिस जो कि एक बोन डिजीज है। अब बात करें कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में अर्ली रिकवरी किसकी बनती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपकी रिकवरी के बहुत अच्छे चांस बनेंगे, और अगर आप ओल्ड एज है तो रिकवरी थोड़ी सी डिले हो जाती है। लेकिन बोन का अपना आपसे स्वतः जुड़ना भी एक प्रोसेस होता है जो कि कितना समय लगता है वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं बेसिस ऑन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जब फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर यहाँ पर मुख्यतः दो तरह से होता है, एक तो होता है सिंपल एंड क्लोज फ्रैक्चर, यानी आपको फ्रैक्चर हुआ, आपके मसल टिश्यू वगैरह है उनमें कोई ज़्यादा इंजरी नहीं हुई और बाहर से भी कोई एक्सटर्नल कट वगैरह या फिर जैसे कि बोन है, बोन पियर करती हुई मसल से या स्किन से बाहर नहीं निकली है। उसके अलावा कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, इसमें फ्रेंड जो आपकी बोन देती है, आपकी बोन स्किन को पियर करते हुए बाहर निकल जाती है, आपके मसल्स वगैरह है वो भी शो होने लगते हैं, उसके अलावा बोनी फ्रेगमेंट बाहर से हमें दिखाई देने लगते हैं। अब इन दोनों में बात की जाए कि सिंपल फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर में रिकवरी अर्ली रिकवरी के चांस किसके बनते हैं, तो फ्रेंड इसमें सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर, जिसे हम सिंपल फ्रैक्चर क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उसमें अर्ली रिकवरी के चांस आपके बनते हैं। अब बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ द पैटर्न, यानी आपका फ्रैक्चर किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है। आपको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है, ओब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, सेगमेंटल फ्रैक्चर हो सकता है और स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है। इन फ्रैक्चर का पैटर्न आपके डिपेंड करता है कि आपका बॉडी एक्शन कैसा रहा, जैसे कि आपको डायरेक्ट इंजरी लगी, उसके अलावा आपने कोई ट्विस्टिंग आपको फोर्स लगा, उसके अलावा आपको जंप जैसे कि आपने ऊपर से नीचे कूदे तो आपको एक तरह से जंपिंग, तो फ्रैक्चर उसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के आपके चांस बने। तो ये हमारे डिपेंड करता है आपके बॉडी एक्शन पर। अब बात करें इन फ्रैक्चर में, जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, सेगमेंटल फ्रैक्चर है, तो इनमें जो आपका स्पाइरल फ्रैक्चर होता है और ओब्लिक फ्रैक्चर होता है वो जल्दी आपके जुड़ने के चांस रहते हैं, किसके अपेक्षा, ट्रांसवर्स और कम्युनिकेटिंग और सेगमेंटल फ्रैक्चर की अपेक्षा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे, यानी जब आपके फ्रैक्चर होता है तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर आपका, चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, ESR कराया जाता है, बहुत सी बार CRP भी कराया जाता है, उसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ESR इरिथ्रो सेडिमेंशन रेट और CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये टेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट इन्फेक्शन से गुजर रहा है या उसको इन्फेक्शन है। अगर ये आपको इन्फेक्शन देते हैं तो हमेशा आपकी बोन हीलिंग में हमेशा लेट रिकवरी होगी। उसके अलावा कुछ डिजीज़ होती है जैसे कि डायबिटीज़ होती है, उसके अलावा अदर बहुत सारी डिजीज़ होती है जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ होती है, वो भी आपकी कि बोन हीलिंग रिकवरी को हमेशा लेट करती है। यह तो थे फ्रेंड रिस्क फैक्टर, यानी किन कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से आपकी बोन को हीलिंग होने में अर्ली रिकवरी और लेट रिकवरी होती है।
अब मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि हमारी बोन कितने दिन में जुड़ जाती है। फ्रेंड, बात करें हमारे अपर लिम के बारे में, यानी ये हमारा अपर लिम है, इसको फ्रैक्चर हील होने में कितना टाइम लगता है? तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको फ्रैक्चर हील होने के लिए 21 डेज से 1 मंथ आपको लग सकता है, जो कि डिपेंड करते हैं आपके रिस्क फैक्टर कौन कौन से रहे। जैसे कि हम बात करें कोलर बोन के बारे में, तो ये 21 डेज में आपके जुड़ जाती है। उसके अलावा रिस्क फैक्चर के बारे में, जिसे हम कुलिस फैक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपका 21 डेज में जुड़ जाता है। उसके अलावा हमारी फोरआर्म बोन होती है, एल्बो, हमारा एल्बो जॉइंट होता है, हुमरस का फ्रैक्चर होता है, कोंडाइल का फ्रैक्चर, तो इनमें आपको 1 मंथ तक का समय लग सकता है। उसके बाद में बात करते हैं लोअर लिम, हमारा नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से को जुड़ने के लिए हमारा 1 से 2 महीने तक का आपको समय लग सकता है, जो कि आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है, और साथ ही आपके जैसे कि बॉडी वेट कितना है, कि नॉर्मल लाइफ में आने के लिए और कितना समय लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर लिम हमारे 21 डेज में आपको 1 मंथ लग सकता है, तो उसमें आप 1 मंथ से 1.5 यानी 1 से 1.5 महीना और जोड़ लीजिए नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। क्योंकि जब आपको प्लास्टर चढ़ाता है या आपकी सर्जरी होती है, तो प्लास्टर के बाद में प्लास्टर डिजीज़ होती है, जैसे कि आपका स्टिफनेस हो जाना, मसल का टाइट हो जाना, मसल वीकनेस हो जाना, और वहाँ पर पेन का बनना, स्वेलिंग आना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिन्हें नॉर्मल लाने के लिए, नॉर्मल लाइफ आने के लिए समय लगता है। उसी तरह जैसे हमारे लोअर लिम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 से 2 महीने आपको लग सकते हैं फ्रैक्चर हीलिंग के लिए, तो नॉर्मल लाइफ के आने के लिए आपको 2 से 3 महीने और लग सकते हैं, या फिर हो सकता है 1 से 1.5 महीना, जो कि हमारे डिपेंड करता है फ्रैक्चर पे, कि हमारा एक तो साफ्ट का फ्रैक्चर है या फिर हमारे जॉइंट का फ्रैक्चर है। जॉइंट के फ्रैक्चर को हमेशा लेट रिकवरी बनती है, और जैसे कि हमारे साफ्ट का फ्रैक्चर है, तो साफ्ट के फ्रैक्चर में अर्ली रिकवरी के चांसेस बनते हैं, जो कि हमें एक्सरसाइज के दौरान आराम से नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। फ्रेंड, नॉर्मल लाइफ में आने के लिए हमें यहाँ पर एल्बो हमारा जॉइंट है, नी जॉइंट है, हमें इनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और साथ में इसमें पेशेंट को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर फ्रेंड आपका जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, तो रिकवरी यानी नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा समय लगता है, और आपका साफ्ट का फ्रैक्चर है, तो वो जल्दी रिकवरी होने के उसके चांसेस बनते हैं। फ्रेंड, ये थे हमारे रिस्क फैक्टर, जो कि फ्रैक्चर के बाद में अर्ली रिकवरी और लेट रिकवरी देते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, आपका कोई भी कमेंट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और फ्रेंड आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते हुए देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।